आज का टॉपिक उन भाइयों के लिए है जिन्होंने गुरु धारण कर रखा है, गुरु धारण करने के बाद भी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आती जा रही है, कुछ भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, किसी न किसी दरबार से जुड़े हुए हो आप और आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। कभी कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ प्रॉब्लम तो आपकी लाइफ में बनी रही है, ज़िंदगी मस्त नहीं चल रही, लाइफ को जीने का मजा नहीं आ रहा, ज़िंदगी में एक बोझ है, उस बोझ को कैसे कम करें, क्या आपके साथ प्रॉब्लम। आज हम इसी सारी टॉपिकों पर बात करेंगे। मैं आपका अपना विकास दहिया दिल्ली दरबार से। भाई जी अभी हमने 1,00,000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है जिससे हम आने वाले समय में एक एनजीओ ओपन कर सके। 1,00,000 सब्सक्राइबर होते ही हम एक एनजीओ ओपन कर देंगे जिससे हम अपनी बहनों की शादी करा सके। और गरीब भाई जो आज के टाइम में ठंड इतनी ज़्यादा हो रखी है, रोड साइड पर सो रहे हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, उनकी हेल्प कर सके उसमें हम और आप मिलकर एक मुहिम चला रहे हैं। हमारा आपसे कोई पैसे की हेल्प नहीं मांग रहे, खाली एक सब्सक्राइबर और साथ में अगर आप बेल आइकन दबा लेते हो तो लाइव सेशन हमारा शुरू होता है, उसमें आप अपनी समस्या का समाधान हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। अपना दरबार फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है भाई जी, मंगल और शनिवार को दरबार लगता है। और भाई जी जो भाई दूर से आते हैं, जैसे कि कोई दिल्ली से दूर का है, खाली एक ही बार दरबार आ सकता है, उसकी भाई एक ही बारी में सारा चीज़ होती है। जो दिल्ली से है या आसपास से, उसकी भाई 5 हाजिरियाँ लगती है, बालाजी जाके हम संकट को निवारण करते हैं। तो ये दूर से है उनके लिए अलग से एक समाधान हमने निकाल रखा, उनका जो इलाज होता है वो घर से ही करा दिया जाता है, उनको समाधान वगैरह तरीके वगैरह घर से ही बता दिया जाता है, उनको जो कर्म करना होता है। तो लेट ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन दबा देना। तो कितने भाई बहन हैं मेरे जिन्होंने भाई गुरु धारण कर रखा है और जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां बनी हुई है, किसी भी प्रकार का समस्या समाधान आपकी लाइफ में खुशियां आने का नाम ही नहीं ले रही। तो अगर आपके जीवन में भी ये है तो भाई सबसे पहले गुरु को त्याग दो। मेरी बात बुरी लगेगी पर जो कहूंगा सच्ची कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलता भाई। मेरे चैनल की आप और भी वीडियो उठा के देख सकते हो। त्याग दो उन गुरुओं को जहां आपने दरबार ज्वाइन कर रखा, किसी भी दरबार से जा रहे हो और आपके जीवन में प्रॉब्लम बनी हुई है, इन झोला साहब गुरु से बच के रहो। ये करते क्या भाई जी, पैसों का लालच होता है। आपने कि किसी भी दरबार में गए, आप आपके इलाज हो कर दिया उन्होंने, इलाज करने के बाद आपने खुशी में उसको बंदे को दे दिया भाई 10,000 रुपये, 11,000 रुपये, 20,000 रुपये, खुशी खुशी में बंदे 1,00,000 रुपये भी दे देते हैं। लो आपने मेरा इलाज किया, सारी चीज़ कर दी, आप खुशी खुशी, आपके लड़के का वीजा लग गया, आप आउट ऑफ इंडिया भी चले गए, आपका लड़का आपके बच्चे सेटल हो गए। फिर एक समय ऐसा आएगा 6 महीने 7 महीने बाद, जैसे आप अपने घर में मस्त रहने लग जाओगे, दरबार जाना थोड़ा थोड़ा कल बंद करने लग जाओगे, आपके जीवन में एक बार फिर से परेशानी और सामना आएगा और फिर से वही चीज़ पुराने वाली चीज़ जो हो रही थी वही होने लग जाएगी, फिर से आपकी लाइफ में दुख हो जाएंगे। मतलब दिक्कत गई कहीं नहीं, यार दावा मार दिया, एक तरीके का दावा मार दिया। कई गुरु तो भाई बंदों के ऊपर सवारी खोल देते हैं, जैसे कि भाई आप किसी दरबार से जुड़े हुए हो, जितने भाई उनके ऊपर सवारी खोल दी, किसी देवी देवता की शक्ति उनके ऊपर आने लगी, गुरु द्वारा खोल दी गई, आप खुश भाई गुरु जी ने मेरे घर में माता का वास कर दिया, सारी चीज़ का वो कर दिया। पर जो माता का वास आपके गुरु ने किया है वो आप पे खुश होकर नहीं आई, वो गुरु जी द्वारा आदेश से, जो आपके गुरु है उनके आदेश से आपके ऊपर आई है, ना कि खुश होकर। जब सवारी खुश होकर आती है तो कार्य अलग लेवल पर करती है, और जब किसी के द्वारा सवारी दी जाती है तो वो उनके इशारों पर कार्य करती है। जब आपके घर में खुशी वगैरह सारी चीज़ करनी होगी, सारी प्रॉब्लम को बाहर करना होगा, तो वो उसी तरीके से कार्य करेगा। गुरु आदेश वहाँ से कर देता है कि अब इसकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम लेके आओ, ये भाग के आए, जैसे वो थोड़ी सी लाइफ में प्रॉब्लम हिलझिल हो जाती है और आप भाग के वहीं जाते हो कि ये मेरी लाइफ में हुआ क्या क्या नहीं। जब आप पे सवारी खुश होकर आती है तो गुरु अपनी शक्तियों को आप उन शक्तियों के ऊपर कर देता है, क्योंकि गुरु की शक्ति जो होगी, हमारी जो शक्ति होगी, गुरु की शक्तियों का आदर करके चलेगी। अगर अनादर करके चले तो आपकी शक्तियों ने उसे गुरु धारण नहीं किया। पर आज के समय में खुद साधना करना तो भाई सबके बस की रहा नहीं, इतना समय किसी के पास नहीं है जो साधना करे। किसी भी दरबार से जुड़ते हैं, गुरु के द्वारा कोई शक्ति प्राप्त करते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं तो सोचते हैं भाई हम महाबली हो गए, हम पे शक्ति आ रही है। किसी गुरु के द्वारा जब आपको शक्ति दी जाती है तो वो आपको अपने इशारों पर नचाने लग जाता है, जब चाहे आपको खुश कर देता है, जब चाहे आपको थोड़ा वो कर देता है। कई लोग भाई गुरु द्वारा शक्ति प्राप्त करके दरबार भी चला रहे हैं, दरबार कभी तो इतना अच्छा चलता है जिसकी कोई हद नहीं, कभी कभी बिल्कुल डाउन मार जाता है, ये हुआ तो हुआ, क्या बूझा नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, या क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं, गुरु के हाथ में हो जाती है। गुरु जैसे चाहेगा वैसे आपको नचाएगा। गुरु अच्छा हो तो वो आपको बता के करेगा जो चीज़ करेगा कि अब मेरे को ये वो। अगर आपने कोई सिद्धि प्राप्त की तो आपकी सिद्धियों की चेकिंग भी होगी, गुरु द्वारा चेक भी किए जाएंगे कि भाई सिद्धियाँ ठीक मिली हुई, ठीक कार्य कर रही है नहीं कर रही है, गुरु उनको परखेगा, सारी चीज़ करेगा। आजकल के गुरु क्या भाई जी, आप आज गए दरबार में, अगली बार आप जा रहे हो तो गुरु मंत्र लेके आ रहे हो। मैं भी गया था भाई, जब मैं भूला भटका था, मुझे ज्ञान नहीं था, सकतिया सिद्धि साधना मैंने खुद अपने से की थी, किसी गुरु के द्वारा बता के मैंने नहीं की थी, खुद मैंने प्राप्त की थी भाई। मैं बोल दूं भाई मेरे को किसी गुरु ने दी थी, किसी ने वो दिया था, मेरे को सिद्धियाँ जो प्राप्त हुई थी वो मेरे को अपनी मेहनत से प्राप्त हुई थी। फिर मैंने क्या किया भाई, मैं दरबारों को ढूंढने लगा, गुरु ढूंढने लग गया।
गुरु ढूंढने लग गया तो मैं दरबारों में जुड़ा, मैं कई ऐसे दरबारों में भी गया जो जाति बोला मैंने उन्हें शक्तियां देखी, वह शक्तियां काम अच्छी कर रही है, अच्छी सिद्धियां प्राप्त कर रखी है, अच्छी सिद्धियां प्राप्त कर रखी है। मैं गया उन्हें जाते बोला भाई तुम्हें तो हमें तो तुम्हारे जैसे बंदों की जरूरत है, आप हमारे दरबार ज्वाइन कीजिए, हमारे दरबार से जुड़िए और अपना दरबार चलाइए, हम तो आप लोगों की बाट में बैठे रहते हैं। ऐसे दिल्ली के बहुत है जो एक दिन में आपको ठीक करके भेज देते हैं। मैं बाहर भी गया दिल्ली से, बाहर भी गया जहाँ नंबर लगने लगने में 2 दिन लग जाते थे अच्छे से अच्छे के पास। मैं सारे दरबार को चेक कर दिया, फिर मेरे को जहाँ गुरु मिले वो मेरी कुल देवी, मेरी कुल की रानी, मेरे को बताया, रास्ता दिखाया। मैं इसलिए कहता हूँ भाई जी, मैं क्यों अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि अपनी कुल की देवी और कुल देवता पितृ देवता को मना के चला करो, क्योंकि जो रास्ता ये दिखा देंगे ना कोई गुरु भी नहीं दिखा सकता आपको। तो मैंने अपनी कुल देवी के सामने प्रार्थना की है, माँ अब तू ही है जो गुरु धारण करना वो करा और सारी चीज़ों का मुझे रास्ता दिखा। आज के समय में मेरे गुरु, मैं ये नहीं कहता सबके गुरु भाई, अपने लेवल में सबके गुरु ठीक होंगे, जो मुझे गुरु मिले हुए हैं, जो कहते हैं मुंह पे कहते हैं, पीछे कुछ वो नहीं है, जो पूछना होता है रात एक बारी में फोन कर में फोन उठता है, बताते हैं, ज्ञान देते हैं। और मैं अपने आप पे गर्व महसूस करता हूँ, अपने कुलदेवी पे गर्व महसूस करता हूँ, अपने कुलदेवता पे गर्व महसूस करता हूँ, अपने पितरों पे गर्व महसूस करता हूँ कि उन्होंने मेरे को ऐसा जीवन दिया, उनकी सेवा उठाने का मौका दिया और ऐसे मुझे गुरु प्रदान किए। हर चीज से बता के चलते हैं, हर चीज का ज्ञान दे के चलते हैं, सही समय आने पर सारी चीजें मिली भी है भाई मुझे गुरु द्वारा भी, गुरु की शक्तियाँ भी मुझे मिली हुई है। आज के समय में अपनी शक्तियाँ तो है मेरे पास जो चल रही है मेरे साथ, देवी देवता जो चल रहे हो तो है ही, तो गुरु की शक्तियाँ भी मेरे साथ कार्य करती है। सच्चे गुरु वही होते हैं। आज तक जिन्होंने दरबार ज्वाइन कर रखा, कोई भी दरबार ज्वाइन कर रखा, गुरु ने अपनी शक्ति आपके शरीर में कभी खिलाई है? एक होता गुरु की जो उच्च शक्ति होती है उसको खेलना, एक होता गुरु के द्वारा शक्ति देना। जिस शक्ति से गुरु स्वयं कार्य लेता है वो शक्ति जब आपके शरीर में खेलती है वो होती है अलग। एक होता गुरु के द्वारा उसी शक्ति का कोई छोटा सा कर्ण आपके साथ दे दिया। दोनों में फर्क है। इनमें पहचान कैसे सकते हो आप? पहचानने का तरीका मैं आज आपको बताता हूँ। जब गुरु शक्ति देता है तो गुरु जब किसी शिष्य को शक्ति देता है तो गुरु में जिस रूप में वो शक्ति चल रही है शिष्य में भी वो उसी रूप में चलेगी, और उससे अलग कोई और शक्ति शिष्य को नहीं मिल सकती। गुरु पैरा लगा देता, शरीर में बंधन कर देता कि मेरी शक्ति के अलावा कोई और शक्ति नहीं जा सकती इसके शरीर में। पर गुरु की जो शक्ति होती है वो आपकी रक्षा के लिए होती है, वो हरदम आपके साथ नहीं होगी। शक्तियों से कार्य आपको अपनी से ही लेना होगा, वो खाली एक मजबूरी जब आप फंस जाते हो कहीं ऐसी जगह पे जब वो आपके साथ कार्य करती है आपको निकालने के लिए, क्योंकि गुरु ने शिष्य से ज्यादा सिद्धियां प्राप्त की होती है, शिष्य से ज्यादा उनको ज्ञान होता है। आपने देखे होंगे ऐसे कई गुरु है, ऐसे आपने आज किन्होंने यूट्यूब ऐसा रखा कि आप यूट्यूब से ज्ञान ले लेते हो और गुरु से ज्यादा सिद्धियां प्राप्त कर लेते हो। आपने 4 सिद्धियां प्राप्त की, आपने 5 सिद्धियां प्राप्त की, गुरु के पास खाली 2 सिद्धियां थी, वो 2 सिद्धियों से ही कार्य कर रहा था। जैसे आप गुरु के पास जाते हो कि गुरु जी मैंने सिद्धियां प्राप्त की है और मैं ऐसे बता देता हूँ, मेरा बुझाता हूँ, ऐसे निकल जाता है, ऐसे निकल जाता है, तो गुरु करता क्या है कि गुरु ऐसे जलने लग जाता है कि कभी मुझसे ऊपर नाम ना चला जाए, कभी मुझसे ऊपर ना हो जाए, कभी मुझसे ऊपर ना हो जाए, मेरा वो ना करने लग जाए, मेरा कट ऑफ ना हो जाए, मेरा पैसों का बिजनेस सोर्स और बिजनेस बंद ना हो जाए, इनकम सोर्सेज मेरा बंद ना हो जाए, तो आपकी शक्तियों को बांध देता है। शक्तियों को बांध देता है, तो शक्तियों को बांधने के बाद वो खाली अपने दूतों को आपके अंदर खिलाता है, ना कि किसी और शक्ति को। दूत जो आपके गुरु को दूत मिले हुए उनके दूत के दूत को आपके शरीर में खिलाता है। फिर आप कहते हो गुरु जी मेरे को तो ये मिला, वो कहते हो अच्छी शक्ति नहीं थी, वो नेगेटिव शक्ति थी, आप में इस चीज़ का रूप लेके खेल रही थी, ऐसे आपको बाने करने लग जाता है और आपकी शक्ति को अपने पास ले लेते हैं। जो सच्चा गुरु होगा उनको आप पे गर्व महसूस होगा भाई जी, जब आपको कोई शक्ति मिलेगी, कोई आपको सिद्धि प्राप्त होगी, जब आपको कोई अच्छी चीज़ मिलेगी तो गुरु को अपने ऊपर कोई गर्व महसूस होगा कि हाँ ये मेरा शिष्य देख कितना नाम कर रहा है। आप कोई अच्छा काम करोगे तो गुरु को गर्व होगा। गुरु के पास मैं ये कहता हूँ पहनने को कपड़ा ना हो, पर जब शिष्य कोई अच्छा कार्य करता है तो उसका सीना गुरु से चौड़ा हो जाता है। गुरु का हालात कैसे भी हो, गुरु कभी भी शिष्य की तरक्की देख के जलेगा नहीं। मेरे को मिले हैं ऐसे भाई, मैं निकला हुआ हूँ ऐसे जगह से, ऐसे होते हो जो मेरे को चीज़ें मिल रही थी वो पहले मैंने सबसे पहले जब इस दबार मारा था देख के जलने लगे थे, बंधन कर तक करने लगे थे। आज के समय में ऐसा हो रखा भाई जी, मैंने जो गुरु है मैं तो भाई कसम से कहता हूँ ऐसे गुरु सबको मिले, और जो मुझे गुरु ने ज्ञान दिया वही ज्ञान मैं आप लोगों के बीच में शेयर करता हूँ। कभी किसी का बुरा मत करो। हमारी लाइफ जो हमारी सिद्धियाँ होती है एक चेस के मैदान की तरह होती है। चेस का मैदान देखा, मैं हर वीडियो में बताता हूँ अपने चेस का मैदान। जब आपके साथ कोई बुरा करता है तो वो मैदान में अपने सारे पासे उतार देता है। वो पासे जब तक आप अपने मैदान में पासे नहीं उतारोगे आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। जिस दिन आप भी उसका बुरा करने लग जाओगे और आप अपने पासे मैदान में उतारने लग जाओगे तो धीरे धीरे जो पासे उसने उतारे थे और उसने अपने जो पासे उतारे थे मैदान में हाथी घोड़े सिपाही वगैरह जो उतारे थे वो एक दूसरे को मारते चले जाएंगे। लास्ट में ये नहीं पता रहेगा उसका राजा बचेगा या आपका राजा बचेगा।
लाइफ ऐसे है, जब आप किसी का बुरा करने लग जाते हो और आपका कोई बुरा करने लग जाता है, जंग छिड़ जाती है शक्तियों के बीच में। अब आप बोलोगे कि माँ काली की वो पूजा करता है, माँ काली की मैं पूजा करता हूँ, तो ऐसे जंग कैसे छिड़ जाती है? तो मैं आपको बता देता हूँ, माँ काली कभी किसी के शरीर में नहीं खेलती भाई जी, कभी भी किसी के शरीर में नहीं खेलती, खेलती है उनकी योगनियाँ, उनकी दूतनियाँ, उनकी शक्तियाँ। माँ काली का उन दूतनियों के शक्तियों के साथ एक इतना सा एक मिट्टी का दाना होता नहीं, बिल्कुल हल्का सा, वो शक्ति उनमें होती है भाई जी। और वो सिद्धियों से करते करते वो बड़ी होती चली जाती है, सिद्धि प्राप्त करते चले जाते हैं, वो शक्तियाँ बढ़ती चली जाती है। अब किसी ने कितनी सिद्धियां ले रखी, किसी ने कितनी सिद्धियां, एक मिट्टी भर सिद्धि भी है ना आपकी रक्षा कर सकती है किसी भी तांत्रिक क्रिया से, जब तक आप किसी का बुरा नहीं कर रहे। और जब आप बुरा करने पे आ जाते हो तो मिट्टी भर चींटी भी पता नहीं कौन सा राजा किसको मात दे जाए। तो आप कहोगे भाई उसके साथ भी माँ काली चल रही है और हमारे साथ भी माँ काली चल रही है, तो माँ काली आपस में एक दूसरे के साथ फाइट कैसे करती है, रो कैसे सकती है? तो वही चीज मैं बताता हूँ भाई जी, आज जो कार्य करते हो दूतनियां होती है। माँ काली की सवारी किन को प्राप्त होती है, कौन होती है माँ काली की दूतनियाँ? जो लेडीज जल के अंत बिना मौत पे, जिनके बच्चे पैदा नहीं होते, फांसी खा के जो एक्सपायर हो जाती है, वो पहले भूतनी की योनि में जाती है। भूतनियाँ वो पहले बनती है, भूतनियाँ वो किसी के शरीर को पकड़ लेती है। आपने देखा होगा कहीं भाई किसी लेडीज में कोई ओपरा आ रहा है, कोई लेडीज बोल रही है मैं तो उसकी वो हूँ, मैं तो उसकी वो हूँ, मैं तो उसकी हूँ, वो फिर किसी दरबार में जाएगी, दरबार में जाएगी, किसी दरबार से जुड़ेगी, दरबार से जुड़ने के बाद उसके शरीर की जो भूतनी थी उसको निकाल दिया जाएगा उसके शरीर से। उसके शरीर से उस भूतनी को निकालने के बाद माँ काली अपने शरण में लेके जाएगी, उसको मार लगाएगी माँ काली, उसके माँ काली के शरण में जाएगी, वो माँ काली के शरण में जाएगी, उसको मार लगाएगी। कई जगह तो भाई बालाजी जाते हैं, मेहंदीपुर जाते हैं, वहाँ कैद करके आ जाते हैं बाबा माँ, वहाँ दोनों चीज शक्तियों का पैरा है, वहाँ दो शक्तियों का, वहाँ काफी शक्तियों का पैरा है। तो वहाँ जाएंगे माँ काली, उसको कैद कर लेगी, कैद करने के बाद उसको मार लगाएगी, उसको सुधारेगी, एक अच्छे कार्य के लिए वो करेगी, उससे वचन लेगी माँ, वचन लेके उसको अपनी शक्ति प्रदान करेगी और उसको किसी न किसी के साथ चलते कर देगी। जाओ अब दुनिया का भला करो, आप दुनिया का भला करो, तो दुनिया का भला करो कि वो जिस भगत को मिली, जिसको भी माँ की सवारी वो लेडीज मिली जो पहले भूतनिया का कार्य करती थी, वो शक्ति के रूप में कार्य कर रही है, सकारात्मक ऊर्जा में कार्य कर रही है। आपने देखा होगा ना शक्ति नकारात्मक को सकारात्मक कैसे बनाया जाता है, यही प्रोसेस होता है उसका। जो सकारात्मक बनने के बाद वो माँ काली के साथ, माँ काली के आशीर्वाद के साथ अपना कार्य करती है, और जो जीव निकलती है माँ काली की वो उसी की निकलती है, वो दिखाती है कि मैं माँ काली की शक्ति हूँ, माँ काली की योगिनी हूँ, माँ काली की दूतनी हूँ। तो माँ काली की स्वयं जब शरीर में माँ काली आती है तो शक्तियाँ क्या करती है, स्वयं माँ काली आपके शरीर में नहीं आती, वो आपके शरीर के पीछे आके खड़ी हो जाती है माँ काली। जब कोई संकट ऐसा होता है तो दूतनी अंदर आ जाती है, माँ काली आपके शरीर के पीछे खड़ी होती है, माँ काली आपके शरीर के पीछे खड़ी होती है, जिससे वो संकट होता है उधर के बिगड़ जाता है। जो उनकी योजनाएं उनको कार्य करने में एक उत्साह होता है, एक शक्ति मिलती है कि मेरे पीछे माँ काली खड़ी है, मैं इसका अंत कर सकती हूँ। तो जैसी नकारात्मक शक्ति होती है उनको कैद किया जाता है, तो वही सकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है और माँ काली की शक्तियों के साथ वो कार्य करती है। तो ये तो प्रोसेस होता है भाई जी, एक शक्ति को नकारात्मक से सकारात्मक, कौन से ऐसे बालाजी महाराज के दूत होते हैं, कोई आदमी हो गया उनको बालाजी के कैद में कर दिया जाए तो बालाजी के दूत महाराज कहला लेते हैं, भैरव की कैद में कर दिया तो भैरव के दूत महाराज कहलाते हैं। भैरव पे अब दारू भी चढ़ती है भाई, सिगरेट भी चढ़ती है, लड्डू भी चढ़ते हैं, गुलगुले भी चढ़ते, काफी ऐसे भोग, सिगरेट भी चढ़ती है जो भैरव बाबा पे चलते, तो कोई उनको कैसे भी तरीके से लेके चल सकता भाई जी। तो ऐसी जब वो शक्ति वहां पे कार्य कर रही है, वो अपने जिस शिष्य को मिली वो उस शिष्य के लिए कार्य करती है, और जो आपको शक्ति मिलेगी वो आपके लिए कार्य करेगी, जगत कल्याण के लिए कार्य करेगी। अब उसको, अब मैं मानता हूं सकारात्मक ऊर्जा एक तरफ, नकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा कार्य कैसे करेगी, ये आपकी सकारात्मक ऊर्जा है, इसके साथ माँ की पूरी शक्ति चल रही है, माँ पूरा ब्रह्मांड पीछे चल रहा है, आपने किसी का बुरा नहीं किया तो माँ स्वयं आपके पीछे आके खड़ी हुई है। इस शक्ति से उसने गलत कार्य लिया, तो यहाँ पे जो उसने गलत कार्य लिया, माँ ने इनको शक्तियाँ दी थी, तो ये गलत कार्य करने के लिए आगे जाएगी, आपकी शक्ति वहीं खड़ी हुई है, यहाँ पे आके ये शक्ति बिल्कुल रुक जाएगी। क्यों? यहाँ पे बिल्कुल सामना करना पड़ेगा उसको सकारात्मक ऊर्जा का। सकारात्मक ऊर्जा के साथ और भी ऐसी शक्तियाँ चलती है जो ब्रह्मांड की कई ऐसी देवी शक्तियाँ जो याद करने पर हाजिर होगी, पर नकारात्मक ऊर्जा के साथ ऐसा नहीं है। नकारात्मक ऊर्जा खाली शमशान से छोड़ी गई होगी तो उसके साथ शमशान की ही शक्ति आके खड़ी होगी, पर सकारात्मक ऊर्जा के साथ शमशान की शक्तियों के साथ साथ ब्रह्मांड की सारी शक्ति आके खड़ी हो जाएगी, जिससे आपका बुरा नहीं कर सकती, और ये पीछे हटने पे इसको मजबूर कर दिया जाएगा या इसको कैद करके वहीं पे रोक दिया जाएगा। जिस घर में किसी के लिए बुरा करने के लिए माँ काली को छोड़ा जाता, तो आप क्या सोचते हो माँ काली स्वयं जाती है? नहीं, माँ काली स्वयं कभी नहीं जाती, जाती है उनकी दूतनियां योगनियां, जो आपने देखी होगी ना माँ की 64 योगनियां होती है, जो खून के लिए प्यासी होती है, खून किसी का भी खून मिल जाए तो कुछ भी कर सकती है, तो उनसे कार्य लिया जाता है, जिंद मसान आदि से कार्य लिया जाता है। जिंद मसान जब आप किसी के शरीर पर छोड़ता तो उसमें स्वमोह के दर्शन भी दिखाई देते हैं, मीट मच्छी भी दिखाई देते हैं, शमशान जलता भी दिखाई देता, भाई अलग अलग तरीके की आपको नोटिस होती है। पर जहां सकारात्मक ऊर्जा में लेके चलोगे वहां पे भाई आपके पीछे तो क्या आपके आज फैमिली के भी कोई हाथ नहीं लगा सकता, आपका फैमिली पे भी कोई हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि आपकी रक्षा के लिए दिखाएंगे जरूर भाई, आपको आवाज जरूर कराएंगे कि आपकी फैमिली में कोई दिक्कत आई है, पर आपको दिखाने के बाद, आपको आवाज कराने के बाद उनको बार की बार भगा दिया जाएगा। और जिस दिन आपने अपनी कुल देवी को जागृत कर लिया ना,
जिस दिन आपने अपनी कुल देवी को जागृत कर लिया, मैं कहता हूं जिंदगी जीने का तरीका ही बदल जाएगा, जिंदगी जीने में मजा वो आने लग जाएगा जिस दिन आप अपनी कुल देवी को दर्शन कर लोगे और उनके दर्शन पालोगे, तो आपका सारी ब्रह्मांड से ही मोह माया से ही मन हट जाएगा। मैं अपने बारे में बताता हूं भाई, मैं छक्के दारू पीता, छक्के क्लबिंग करता था, छक्के मैं सारी चीज करता था, सारे नशों से मैं निकला हुआ हूं। पर जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा ना, मैं मानता पहले से भी था, मैं ये नहीं मानता था, मैं मानता पहले से था, पर जिस दिन इन्होंने मेरा आके हाथ पकड़ लिया, भाई जी दारू को क्या मैंने हर चीज के मुंह मोड़ लिया, खाली एक सिगरेट का ऐप मेरे के अंदर है, सिगरेट मैं पीता हूं, इससे अलावा मेरे अंदर कोई आज के टाइम समय में ऐप भी नहीं है, जिस दिन इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। तो इनके विश्वास बनाने से ही विश्वास बनता है, और इनको मना के चलोगे तो जिंदगी की सारी खुशियां आप में आ जाएगी, जिंदगी की सारी खुशियां आप पालोगे। गुरु आपने धारण कर रखा है, गुरु ने अपनी शक्तियां आपके अंदर चला रखी है, भाई जी अपने कुल देवी को तो जागृत करो, अपने कुल देवता को तो जागृत करो, गुरु ने तो चला दी अपनी शक्तियां। किसी भी गुरु को धारण करने से पहले भाई जी अपनी कुल देवी कुल देवता को और इस देव को जागृत कर लो, भाई जी कुल देवता को, उसके बाद जो आपकी जिंदगी में गुरु होगा वो अपने आप ही ले जाएंगे उनके पास, ये अब ये आपका गुरु है। और उससे पहले गुरु की शक्ति आप में चलती रहेगी, गुरु कहेगा नाचो तो आप नाचोगे, आप कहो तो बैठो तो बैठोगे, आप कहोगे बाथरूम करो तो बाथरूम करो, हगना है तो हगो, वो आपका गुरु ये करवाएगा आपको। और फिर आप परेशान, अरे भाई साहब मेरी लाइफ में इतनी परेशानी आ रखी है, गुरु धारण कर रखा, पता नहीं क्या से क्या हो गया, अब कहां से मेरे को समाधान मिलेगा, कहां से मुझे रास्ता मिलेगा, पता नहीं क्या करूं यार, 10 लोगों को और गाते हो। गुरु बनाओ, एक अच्छा बनाओ यार, जिंदगी में एक मजा आए, जीने में एक तरीका आए। दरबार से जुड़े हुए हो, 76 दरबार से जुड़े हुए, एक दरबार को पकड़ो, ऐसे को पकड़ो जो जिंदगी को बदल दे। सच्चे दरबार से जुड़ो, सच्चे दरबार में होता क्या है, इलाज करने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि पेड़ को हरा होने में समय लगता है, पर वो बिल्कुल जड़ से आपका इलाज करेगा, बिल्कुल जड़ से ही आपको काट काटकेगा। और जिस पेड़ की ही नींव कच्ची होगी, जो एक दिन में ही पेड़ उग गया और फल भी देने लग गया, उसकी नींव कितनी मजबूत होगी वो आप भी देख सकते हो। आज के समय में लोग बागों को चाहिए, हम आज गए कल को हमारा इलाज हो गया, परसों हम ठीक हो गए, ये चाहिए आज के समय में, क्योंकि समय किसी के पास नहीं है भाई जी, किसी को खाने खाने के लिए समय नहीं है, तो किसी को भगवान की पूजा करने के लिए समय नहीं है। नीम पेड़ की मजबूत होगी जब भी आपका होगा, सच्चा भगत आपकी नींव को मजबूत करके चलेगा, कल को कहीं आपके शरीर में ऐसा गढ़ नहीं रह जाए जिससे बेइज्जती उसकी भी हो और उसके गुरु की भी हो। एक सच्चा सेवक जो होगा माँ बाबा का, वो पहले अपनी इज्जत से पहले अपने गुरु की इज्जत देखेगा कि मेरी वजह से मेरे गुरु की इज्जत कम जो खराब ना हो जाए, कि इस गुरु का चेला था और इसने मेरे साथ ये किया। जिस दिन आप अपने गुरु की इज्जत करने से सीख जाओगे, उनकी इज्जत को अपना इज्जत मान के चलोगे, तो आप किसी के साथ गलत करना ही बंद कर दोगे। और भाई किसी दरबार से जा रहे हो, आपका इलाज कर रहा है, तो सीधी कसम दे दो आपको कि गुरु की कसम मेरा इलाज ठीक होना चाहिए, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। दरबार वाले भाई दरबार लगाना बंद कर देंगे जिस दिन आप उनके गुरु की कसम उनको देने लग जाओगे, या वो आपको ठीक करना स्टार्ट कर देंगे। इलाज करो भाई, क्योंकि देखो गुरु की कसम दी, गुरु की आपने कसम दे दी, इलाज करने में 1% की भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए, इलाज होगा पूरा, जितने उसके समर्थन में होगा उतना वो आपका इलाज करेगा। और डिपेंड करता है भाई भगवानों पे, आप कितनी मन से उनको मानते हो। अब किसी दरबार में गए, उसने आपका इलाज किया, इलाज करना आपका स्टार्ट कर दिया, आपका भाव हो रहा है यार इलाज हो रहा हो लेने दे, मैं तो ठीक हो जाऊंगा, ये निगर पे कभी नाम नहीं लेना, वो नहीं इलाज हो रहा हो जाएगा, इस चीज से आप ठीक नहीं होते भाई, एक दावा लग जाता ठीक हुआ है। जितना गुरु का विश्वास होता है उतना ही आप लोगों का भी विश्वास उस शक्ति पे होना चाहिए जिस शक्ति से आपका इलाज हो रहा है। और सबसे सवम शक्ति में तो माँ पार्वती की है। अब कहोगे माँ पार्वती, अरे माँ पार्वती ही माँ काली है यार, माँ पार्वती के ही सारे रूप है। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, सर्व शक्ति कौन सी है कौन सी नहीं, लोग बाग माँ काली की साधना करते हैं, मैं कहता हूँ माँ पार्वती की साधना करो, जिंदगी दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी, माँ पार्वती की साधना शुरू करो। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं आपका अपना विकास दिया दिल्ली दरबार से, चैनल को सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शाम को मिलते हैं लाइव में एक अच्छे टॉपिक के साथ, माँ पार्वती वाले टॉपिक पे मिलते हैं कि माँ पार्वती की साधना करनी क्यों जरूरी है लाइफ में, क्यों नहीं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी कुल देवी का जयकारा लगा के जरूर जाना, और सच्चे दरबार का जयकारा तो जरूर लगाना भाई जी। बोलो सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव, हर घर महादेव।